बदलते भारत की शान। मौसम खबर के सह प्रायोजक हैं एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान। शनिवार को जगह जगह बरसेंगे बादल। दक्षिण पश्चिम अरब सागर में चलेंगी काफी तेज हवाएं। लक्षद्वीप और आसपास के तटों पर मछुआरों को समुद्र में ना जाने की सलाह। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। मौसम खबर में जानेंगे आगे आने वाले दिनों में कहां होगी बारिश, कहां रहेगा मौसम साफ, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति। साथ ही किसानों के लिए कृषि सलाह भी। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। केरल और तमिलनाडु में दो दिन कुछ जगह काफी भारी बारिश का अनुमान। तटीय और दक्षिणी आंध्र कर्नाटक में भी हो सकती है मूसलाधार वर्षा। बिहार और छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर जोरदार वर्षा संभव। झारखंड और ओडिशा में कहीं कहीं भारी बरसात का अंदेशा। पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में तेज बरसात की संभावना। दो दिन असम और मेघालय में हो सकती है भारी बारिश। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के अलग अलग हिस्सों में मूसलाधार बरसात के अनुमान। तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और लक्षद्वीप के कुछ भागों में भारी बरसात की संभावना। दक्षिण पश्चिमी और पश्चिमी मध्य अरब सागर में काफी तेज हवाएं चलने के आसार। लक्षद्वीप, केरल, दक्षिणी कर्नाटक के तटों और आसपास के इलाकों में बहुत तेज हवाएं चलने का अनुमान। उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक देश भर में दो दिन कैसा रहने वाला है मौसम का हाल, कहां कहां होगी बरसात और कहां मौसम में रहने वाला है साफ, विस्तार से जानकारी के लिए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। मौसम विभाग के मुताबिक पूर्वी भारत के बिहार में शनिवार को कई जगह तो रविवार को कहीं कहीं बारिश की संभावना है, जबकि दो दिन झारखंड, ओडिशा और गांगे पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में बरसात का अनुमान है। वहीं उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में दो दिन ज्यादातर स्थानों पर बादल बरसेंगे। असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में भी शनिवार को ज्यादातर जगहों पर पानी बरस सकता है। पूर्वोत्तर भारत के नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में दो दिन कई स्थानों पर बारिश होगी। उत्तर भारत की बात करें तो यहां के पहाड़ी राज्यों में जम्मू कश्मीर और लद्दाख में दो दिन इक्का दुक्का जगह वर्षा हो सकती है। हिमाचल प्रदेश में शनिवार को कुछ जगह और रविवार को कई स्थानों पर बादल बरसेंगे। उत्तराखंड में शनिवार को कई जगह तो रविवार को कुछ हिस्सों में बरसात हो सकती है। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं बूंदाबांदी की संभावना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में छिटपुट जगहों पर पानी बरस सकता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में बरसात होगी। शनिवार को पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान में बारिश की संभावना नहीं है। मध्य भारत पर नजर डाले तो अगले पश्चिमी मध्य प्रदेश में दो दिन कहीं कहीं बारिश का अनुमान है। पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में शनिवार को कई जगह तो रविवार को अधिकतर स्थानों पर बरसात के आसार है। साथ ही दो दिन मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में कुछ जगह वर्षा संभव है। विदर्भ में शनिवार को कई जगह तो रविवार को ज्यादातर जगह बारिश का अनुमान है। पश्चिमी भारत के गुजरात में दो दिन इक्का दुक्का जगह बारिश की उम्मीद है। सौराष्ट्र और कच्छ में शनिवार को बारिश नहीं होगी। हालांकि कोंकण और गोवा में दो दिन ज्यादातर स्थानों पर बादल बरसेंगे। दक्षिण भारत की बात करें तो यहां के तटीय आंध्र प्रदेश में शनिवार को कुछ जगह और रविवार को कई स्थानों पर बरसात की संभावना है। तेलंगाना में दो दिन ज्यादातर जगह बारिश होगी। रायलसीमा के कुछ हिस्सों में बरसात हो सकती है। साथ ही दो दिन तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल के कई इलाकों में बारिश का अनुमान है।
अगले दो दिन कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ज्यादातर जगह वर्षा संभव है। और ये थी मौसम पूर्वानुमान की विस्तार से जानकारी। अब आइए बढ़ते हैं आगे, एक नजर डालते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान हुई बरसात पर। पिछले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में इक्का दुक्का जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में बरसात हुई। पंजाब और हरियाणा में कुछ जगह तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर बादल बरसे। बिहार में कई जगह और झारखंड में कुछ जगह पानी बरसा। इसके साथ ही ओडिशा के कुछ हिस्सों में वर्षा हुई। वहीं असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में बारिश देखी गई। पिछले 24 घंटों के दौरान पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी अधिकतर जगहों पर बरसात हुई। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी जगह जगह पानी बरसा। छत्तीसगढ़ में कुछ जगह बारिश हुई है। पिछले 24 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश, विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और गुजरात में भी अलग अलग जगह बादल बरसे। कोंकण और गोवा के कई भागों में झमाझम बरसात हुई। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में कई जगह तो उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में कहीं कहीं पानी बरसा। केरल के ज्यादातर इलाकों में बरसात हुई। तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में कुछ स्थानों पर वर्षा हुई है। तटीय आंध्र प्रदेश में कुछ जगह तो तेलंगाना में कई स्थानों पर बरसात हुई। लक्षद्वीप में भी बहुत जगह बादल बरसे। और अब आइए एक नजर डाल लेते हैं तापमान की स्थिति पर। सबसे पहले जानेंगे अधिकतम तापमान। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। वहीं दूसरी तरफ गुजरात के कुछ इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ऊपर मापा गया। गांगे पश्चिम बंगाल में भी कुछ स्थानों पर तापमान में 3 से 5 डिग्री तक की वृद्धि हुई है। इसी तरह का अधिकतम पारा केरल में कहीं कहीं देखने को मिला, जबकि दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और पुडुचेरी में कुछ स्थानों पर तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री अधिक रहा। मध्य महाराष्ट्र में कई जगह, विदर्भ में ज्यादातर इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ऊपर मापा गया। कोंकण और गोवा के भी ज्यादातर हिस्सों में अधिकतम पारा सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री अधिक दर्ज हुआ है। इसी तरह का अधिकतम तापमान पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिला। इस दौरान सबसे ज्यादा तापमान तमिलनाडु के परमाथी में 39.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और आइए जायजा ले लेते हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति का। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में कुछ जगह न्यूनतम पारा सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा, जबकि उत्तराखंड के ज्यादातर इलाकों में न्यूनतम पारा सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ऊपर मापा गया। पंजाब, पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी मध्य प्रदेश में भी कहीं कहीं न्यूनतम तापमान में 1.5 से 3 डिग्री का इजाफा हुआ है। इसके विपरीत झारखंड में कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री नीचे रहा। तटीय आंध्र प्रदेश में भी कहीं कहीं न्यूनतम तापमान में 1.5 से 3 डिग्री तक की कमी आई है। इस बीच मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान गुजरात के वलसाड और पश्चिमी मध्य प्रदेश के खंडवा में देखने को मिला, यानी न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। और बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कैसे करें टमाटर की बुआई और रोपाई। देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। एआईसी के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। पर्यावरण भारत की चिति, देश का स्वभाव। भारत में पर्यावरण सिर्फ जलवायु नहीं, आबो हवा नहीं, सिर्फ पेड़ पौधे, नदी पर्वत नहीं। भारत में पर्यावरण एक जीवन शैली है, सिर्फ लौकिक नहीं बल्कि दिव्य भारत का आईना। आइए आपका परिचय कराते हैं ऐसी ही कुछ परंपराओं से, इन्हीं जीवन मूल्यों से। कार्यक्रम प्रकृति उत्सव, रिविजिटिंग इंडियन एनवायरनमेंट एडिशन, देखिए हर गुरुवार सुबह 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। Right.
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मौसम खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं खेती किसानी की। बरसात के इस मौसम में फसलों में कई तरह के रोग और कीटों का खतरा रहता है। इन दिनों फसल में कौन कौन से रोग लग सकते हैं, कैसे करें इनसे फसलों की देखभाल, जानने के लिए देखिए विशेषज्ञों की सलाह पर आधारित ये खास रिपोर्ट। ये मौसम आंध्र प्रदेश में धान की फसल में झुलसा रोग लगने के लिए अनुकूल है। इस रोग में पत्तियों पर आग के आकार के भूरे रंग के धब्बे पड़ने लगते हैं और कहीं कहीं पत्तियों पर पीले निशान भी दिखते हैं। इसकी वजह से मुख्य पत्तियों और बालियों में आग के आकार के धब्बे दिखाई पड़ते हैं। ये धब्बे बीच में काले रंग के और किनारों पर गहरे भूरे रंग के होते हैं। झुलसा रोग में कई धब्बे मिलकर कत्थई सफेद रंग के बड़े धब्बे भी बना लेते हैं, जिसके कारण पौधा झुलसने लगता है। आंध्र प्रदेश के किसान साफ मौसम में गन्ने की फसल में उर्वरक की दूसरी डोज डाले, वहीं मूंगफली की फसल में भी यूरिया उर्वरक की दूसरी डोज डाले, वहीं कपास की फसल में तना चूसा का प्रकोप हो सकता है। आंध्र प्रदेश में मक्का की फसल में आरवी वर्म नाम के कीट लगने की आशंका है। ये कीट टिड्डियों की तरह पूरी फसल को चेक कर सकती है। आर्मी वर्म कीट के छोटे लार्वे पौधे की पत्तियों को खुरच कर खाते हैं, जिससे पत्तियों पर सफेद धारियां जैसा दिखने लगता है। बड़ा लार्वा ऊपर की पत्तियों को खाता है। लार्वा बड़ा होकर मक्का के गाले में घुसकर पत्तियां खाता है, जिसकी वजह से पत्तियों पर गोल गोल छेद एक कतार में दिखते हैं। इस मौसम में पपीते की फसल में मिलीबग लगने का खतरा है। मिलीबग लगने पर पत्तियों और तनों पर सफेद मोम पाउडर जैसा पदार्थ दिखता है। सफेद रंग की ये कीट पत्तियों और तनों से अधिक मात्रा में रस चूसकर पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं, और जब ये कीट पौधों को रस चूसकर मल के रूप में निकालते हैं तो ये चींटियों के लिए आकर्षण बनता है। सब्जियों में तना चूसक और सफेद मक्खी लगने की आशंका रहती है। और अब आइए बात करते हैं आज की फसल की। टमाटर हमारे देश की प्रमुख सब्जियों में गिनी जाती है। व्यवसाय के रूप में इसकी खेती का विशेष स्थान है। टमाटर पूरे भारत में बोया जाता है और इसमें पाया जाने वाला लाइकोपिन तत्व औषधीय गुणों से भरपूर है और इसमें विटामिन सी भी प्रचुर मात्रा में होता है। इस समय कुछ इलाकों में इसकी नर्सरी बोई जा रही है तो कुछ में रोपाई की जा रही है। टमाटर के लिए जीवांश वाली बलुई दोमट और दोमट मिट्टी इसके लिए ज्यादा उपयुक्त होती है। एक हेक्टेयर बुआई के लिए सामान्य किस्म का 400 से 500 ग्राम बीज चाहिए, जबकि संकर किस्म का 150 से 200 ग्राम बीज ही पर्याप्त होगा। जिन किसानों की पौध तैयार हो गई है वो अब इसकी रुपाई कर ले। रुपाई के लिए खेत को अच्छी तरह जोत कर मिट्टी को भुरभुरा बना ले और क्यारियां तैयार कर ले। हर क्यारी 0.75 मीटर चौड़ी और जरूरत के हिसाब से 5 से 10 मीटर लंबी हो सकती है। ध्यान रहे कि सीमित बढ़वार वाली फसल के लिए कतार से कतार के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि असीमित बढ़वार वाली फसलों में कतार से कतार की दूरी 75 सेंटीमीटर और पौध से पौध के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए। रुपाई दोपहर बाद करना ज्यादा बेहतर रहेगा। रुपाई के तुरंत बाद जरूरत हो तो हल्की सिंचाई कर दे, बाद में जब भी आवश्यक हो तो पानी देते रहे। खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहे। टमाटर में कई तरह की बीमारियां भी लग सकती है। झुलसा रोग में पुरानी पत्तियां पीली हो जाती है। टमाटर की फसल में विषाणु से फैलने वाला मौजिक रोग भी खतरनाक है। इसमें पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और पौधों की बढ़वार रुक जाती है। रोकथाम के लिए सिकुड़ी पत्तियों को खाड़ कर जला दे। टमाटर में पत्ती तना और फल भेदक कीट लगते हैं, इससे ग्रसित पत्तियां गिर जाती हैं। रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। और आइए बढ़ते हैं आगे, आपको मौसम के अनुसार खेती की कुछ खास बातें बता दें। उत्तर प्रदेश में उड़द और मूंग के खेत में निराई कर लें किसान। मूंगफली और अरहर के खेत में भी निराई कर लें। उत्तर प्रदेश में मूंगफली के खेत से खरपतवार निकालें। तिल और मक्के के खेत में निराई करें। उत्तर प्रदेश में प्याज की बुआई के लिए खेत को तैयार करें। हरियाणा में फूलगोभी की बुआई का समय है।
बाजरे में निराई और गुड़ाई कर सकते हैं। हरियाणा में बैंगन के खेत में सिंचाई करते रहे किसान। बैंगन में रोग और कीटों की निगरानी करें और तुड़ाई के समय हरियाणा में टमाटर की तुड़ाई करते रहें। मौसम खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, आगे डालेंगे नजर खेती और मौसम से जुड़ी कुछ और खास खबरों पर। देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। जानेंगे क्या है किसानों का हाल, हम पहुंचेंगे आपके गांव, मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान, जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मौसम खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे, आपको मौसम के अनुसार खेती की कुछ और विशेष बातें बता दें। गुजरात में धान की फसल में उचित जल स्तर बनाए रखें। धान की बढ़वार के लिए 2 से 3 सेंटीमीटर तक जल स्तर बनाए रखें। धान की रोपाई के 20 से 25 दिन बाद जरूरत के हिसाब से उर्वरक डालें। फसल में उर्वरक डालने से एक दिन पहले खेत से पानी निकाल दें। धान के खेत में हाथों से खरपतवार निकालते रहें। गन्ने के खेतों में भी पानी निकालने के बाद जरूरत के हिसाब से उर्वरक डालें। गन्ने की फसल में सफेद मक्खी की निगरानी करते रहें। भिंडी बैंगन और मिर्च के खेत में निराई का काम करें। कपास और अरहर के खेत में खरपतवार निकालने का काम करें। दक्षिणी गुजरात में मूंगफली की फसल में टिक्का रोग लगने का खतरा है। और आइए बुलेटिन में एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं मौसम की अहम झलकियों पर। केरल और तमिलनाडु में 2 दिन कुछ जगह काफी भारी बारिश का है अनुमान। तटीय और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में भी हो सकती है मूसलाधार वर्षा। बिहार और छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर जोरदार वर्षा संभव। झारखंड और ओडिशा में कहीं कहीं भारी बरसात का है अंदेशा। पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में तेज बरसात की संभावना। 2 दिन असम और मेघालय में हो सकती है भारी बरसात। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अलग अलग जगह होगी मूसलाधार वर्षा। तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और लक्षद्वीप के कुछ भागों में भारी बरसात का है अनुमान। दक्षिण पश्चिम और पश्चिम मध्य अरब सागर में काफी तेज हवाएं चलने के आसार। लक्षद्वीप, केरल, दक्षिणी कर्नाटक के तटों और आसपास के इलाकों में बहुत तेज हवाएं चलने की संभावना। और अब चलते चलते एक नजर अगले 4 दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर। और इस कार्यक्रम को आप डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए और जानिए मौसम का हाल मौसम खबर के साथ। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। उम्मीद है मौसम खबर से आप सभी को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। देखते रहिए दूरदर्शन किसान और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। लिमिटेड संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान। साईं बाबा हिंदू है या मुसलमान? ओए लाल।
अगर तू काल है तो मैं महाकाल हूँ। मेरे गुरु स्थान को खुदवाने की हिमाकत किसने की है? साई नाम है ना तुम्हारा? नाम में क्या रखा है, इंसान का काम बड़ा होना चाहिए। राम जी भला करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 29 अगस्त सुबह 11 बजे। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से किया जाएगा। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक केंद्रों से किया जाएगा। तो याद रखें, रविवार 29 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात। जो फिलॉसफी या एक अनुभव जो आपके निजी जिंदगी में जो जनता को पता नहीं और जिससे आपको लगता है कि ये एक गेम चेंजर था या एक टर्निंग पॉइंट आपके करियर कि मैं तो उत्तर प्रदेश में मोराबाद सापुर जौनपुर तक ही अपने को सीमित रखती थी और एकाएक मैं जिले से निकल करके प्रदेश नहीं प्रदेश से भी आगे केंद्र में आ गई तो मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती की बात हो गई। लेकिन मैंने बचपन से चुनौतियों को स्वीकार किया है और ये जो मुझे राज्यसभा का पद मिला है ये बहुत चुनौतियों वाला पद है। देखिए मेरे साथ नेत्री महिला सांसद और उनकी कहानियां सिर्फ डीडी किसान पर। पूरा वतन अपना होने के बावजूद भी जमीन का कोई भी टुकड़ा इनके हिस्से नहीं आता। अगर हम इस जमीन से उजड़ गए तो ये जमीन तुम्हें भी कुछ नहीं दे पाएगी। एक बात कान खोलकर सुन लो, हम जैसे लोगों का एक जगह पर घर बसा कर रहना हमारे नसीब में नहीं है।